रात के करीबन 9 बज रहा था। श्रद्धा अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर अपने बॉडी पर लोशन लगा रही थी, तभी श्रद्धा का फ़ोन बजता है जो कि बेड पे रखा हुआ था। श्रद्धा टेबल से उठकर फ़ोन रिसीव करने के लिए जाती है। कॉल करण का होता है। श्रद्धा फ़ोन उठाती है, तभी उधर से करण बोलता है, हेलो क्या कर रही हो? श्रद्धा बिस्तर पर बैठते हुए प्यार भरे लहजे में कहती है, कुछ खास नहीं, बस सोने जा रही हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? करण गहरी सांस भरते हुए कहता है, मैं तो एक लड़की के घर के बाहर कब से खड़ा हूँ, बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। श्रद्धा करण के मुंह से ये सुनते ही करण पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या कौन है वो लड़की और तुम क्यों इंतज़ार कर रहे हो उसके घर के बाहर उसका? श्रद्धा करण पर कुछ देर ऐसे ही बर्ताबा तौर बरसती है। करण अपनी हंसी को दबाए बस श्रद्धा की बातें सुने जा रहा था। पर जब श्रद्धा बोलते बोलते थक जाती है तो करण कहता है, अब हो गया हो आपका तो ज़रा एक बार अपने बड़े से घर के छोटे से खिड़की से बाहर भी देख लीजिए तो पता चल जाएगा वो लड़की कौन है। श्रद्धा सोचते हुए खिड़की की तरफ जाती है और जब बाहर देखती है तो करण हाथ में फ़ोन लिए हुए श्रद्धा को हाय कहता है। श्रद्धा मुस्कुराते हुए अपने माथे पे हल्के से मारते हुए कहती है, मैं भी कितना पागल हूँ। तभी करण कहता है, हाँ ये बात तो है। श्रद्धा करण की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, क्या मैं पागल हूँ? करण हंसते हुए कहता है, अच्छा सॉरी मजाक कर रहा था, वैसे मुझे नीचे ही रखने का इरादा है या ऊपर भी बुलाओगे? श्रद्धा मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे क्या पता, तुम्हें मिलना था मुझसे तो तुम जानो कैसे आओगे। ये कहते हुए श्रद्धा फ़ोन रख देती है और खिड़की के पास से हट जाती है और बिस्तर पर छाकर लेट जाती है। तभी करण दीवार फान कर श्रद्धा के खिड़की के पास चला आता है। खिड़की खुला हुआ होता है।